अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, यानी किसी एक पॉइंट से किसी सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें तीन कंडीशन होती है, थ्री कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये कि जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रा करनी है वो पॉइंट सर्कल के अंदर रहता है, फर्स्ट कंडीशन। जैसे ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे इसके अंदर कोई पॉइंट पी है, तो इससे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर लेंगे, तो इससे हम कोई भी टेंजेंट्स ड्रा नहीं कर पाएंगे। यानी जैसे यहाँ पे हम कोई पॉइंट पी लिए, सर्कल के अंदर ही हमारा पॉइंट है, तो अब इससे हम कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो सर्कल को हमेशा टू पॉइंट पे कट करेगी, टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे ये लाइन यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, और यहाँ पे कर रही है। और हम जानते हैं कि टेंजेंट्स वह लाइन होती है जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे कट करती है, मीन्स इंटरसेक्ट करती है, अटैच करती है। लेकिन यहाँ पे जब कोई इंटरनल पॉइंट रहता है, सर्कल के अंदर पॉइंट रहता है, उससे जब भी हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो हम देख रहे हैं कि वो हमेशा सर्कल को टू पॉइंट पे कट करेगी। सो वी कैन से हम कह सकते हैं कि जब कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर होता है तो उससे हम कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर पाएंगे। यानी अगर किसी पॉइंट से हमें सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करनी रहे और वो पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो उससे हम कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर पाएंगे, यानी इस कंडीशन में कोई टेंजेंट नहीं होगी। सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो हम पॉइंट जिस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर ना हो करके सर्कल पर रहे, सर्कल के बाउंड्री मीन सर्कमफेरेंस पर है, जैसे यहाँ पे पॉइंट क्यू है हमारा, तो इस कंडीशन में ओनली वन टेंजेंट वी कैन ड्रा। इस कंडीशन में हम सिर्फ एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे एक टेंजेंट। इसके बाद इसकी जो थर्ड कंडीशन आती है वो ये कंडीशन है कि वो पॉइंट ना सर्कल के अंदर हो जिससे हमें टेंजेंट ड्रा करनी है, और ना सर्कल पर हो वो आउटसाइड सर्कल के हो, यानी सर्कल के बाहर हो। जैसे यहाँ पे हम पॉइंट आर लिए जो सर्कल के बाहर, इस पॉइंट आर से अब इस सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट ड्रा कर पाएंगे, तो टू टेंजेंट ड्रा कर पाएंगे। जैसे यहाँ से एक टेंजेंट आर ए और एक टेंजेंट आर बी, यहाँ पे पॉइंट ए पे सर्कल को टच कर रही है और एक पॉइंट बी पे सर्कल को टच कर रही है, तो आर बी आर ए हमारी टेंजेंट है। यानी हम देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट से सर्कल पे जो हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है तब कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी, अगर वो पॉइंट सर्कल पर है तब ओनली वन टेंजेंट बनेगी, अगर वो पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, सर्कल के बाहर है, तब हम टू टेंजेंट ड्रा कर पाएंगे। अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे टेंजेंट पे। थ्योरम ये है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी कोई सर्कल है, अगर उसके वहाँ पे कोई हम एक्सटर्नल पॉइंट ले रहे हैं सर्कल के आउटसाइड, तो वहाँ से हम सर्कल पे टू टेंजेंट्स ड्रा करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा सर्कल और इसके आउटसाइड में कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पी है यहाँ से, तो पी से सर्कल पे हम टू टेंजेंट्स ड्रा कर पाएंगे। एक पी क्यू यहाँ पे हम ड्रा किए और एक पी आर किए हैं। तो हमारी थ्योरम ये कहती है कि जो टेंजेंट्स पी क्यू और जो पी आर टेंजेंट, यानी जो दोनों टेंजेंट्स हम ड्रा करते हैं किसी भी आउटसाइड पॉइंट से, वो हमेशा आपस में इक्वल होती है, मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यही हमारा स्टेटमेंट है। अब इस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम थ्योरम नोट कर लेंगे, उसका स्टेटमेंट नोट कर लेंगे, उसके बाद हम गिवन की हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे हेडिंग टू प्रूफ, यानी जो हमें प्रूफ करना रहेगा, फिर कंस्ट्रक्शन, यानी कोई भी हम अपने से ड्रा वगैरह करेंगे सर्कल में तो वो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, आप प्रूफ, उसके बाद हेडिंग डालेंगे, इसमें हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम कैसे इसको प्रूफ किए। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का ये तरीका होता है, सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेना चाहिए, गिवेन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। तो हम गिवेन में हम देख रहे हैं कि हमारा कोई सर्कल गिवेन है जिसका सेंटर ओ है और पी क्यू और पी आर टू टेंजेंट्स गिवेन है, यही इतना गिवेन है। तो हम लिखें अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी जिसका सेंटर ओ है, एंड पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट पी से पी क्यू और पी आर टेंजेंट्स है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हेडिंग डालें टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यानी किसी भी आउटसाइड से जब किसी सर्कल पे हम दो टेंजेंट से ड्रा करते हैं तो आपस में इक्वल होती है, तो यहाँ पे टेंजेंट से पी क्यू और पी आर है, तो इसे ही हमें इक्वल प्रूफ करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब इसके बारे में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर कोई हम अपने से इसमें कंस्ट्रक्शन किए तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल देंगे वरना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, ओ क्यू यानी सेंटर से पॉइंट क्यू और पॉइंट आर को हम ज्वाइन कर दिए, ओ क्यू और ओ आर को ज्वाइन किए हैं और ओ पी को भी हम ज्वाइन कर दिए, तो सो वी कैन राइट ज्वाइन ओ पी ओ आर एंड ओ क्यू, यानी इन सबको हम ज्वाइन कर दिए। उसके बारे में हेडिंग डालेंगे प्रूफ, और प्रूफ में हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम कैसे इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे दो ट्रेंगल, इन सबको ज्वाइनिंग करने के बाद, ओ क्यू ओ आर और ओ पी को ज्वाइनिंग करने के बाद, हम देख रहे हैं कि हमारा टू ट्रेंगल बन रहा है, एक ट्रेंगल ओ क्यू पी बन रहा है, एक ट्रेंगल ओ आर पी बन रहा है, दो ट्रेंगल बना है। तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू दिस ट्रेंगल, फिर उसके बाद एंड ट्रेंगल ओ पी आर, दिस ट्रेंगल ओ पी आर इस ट्रेंगल में,
ओपी इज इक्वल टू ओपी, हम करेंगे क्या, दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। तो कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हमें तीन चीज दिखाना पड़ता है आपस में इक्वल, अगर तीन चीज इक्वल आ गई तो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि अगर दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम क्या किए, ओपी इज इक्वल टू, दोनों ट्रेंगल में ओपी इज इक्वल टू ओपी एक कॉमन है, तो यहाँ ब्रेकेट में हम रीजन दिखा देंगे कॉमन। फिर ओकी इज इक्वल टू ओ आर, ओकी इज इक्वल टू ओ आर, क्यों, क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस और हम जानते हैं कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हमेशा इक्वल होती है, तो ब्रेकेट में यहाँ पे हम रीजन दिखा दिए रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद हम क्या किए, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ओ क्यू पी ये दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, ब्रैकेट में हम रीजन दिखा दें ईच एंगल 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वह टेंजेंट्स पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ओ क्यू हमारी क्या रेडियस है, पी क्यू टेंजेंट है, तो ओ क्यू जो होगी पी क्यू पे परपेंडिकुलर होगी, तो इन दिस वे ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। सिमिलरली ओ आर भी रेडियस है और हमारी पी आर टेंजेंट है, तो ओ आर जो होगी पी आर पे परपेंडिकुलर होगी, दिस मीन्स ये एंगल 90 होगा, तो इसीलिए एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, और ब्रैकेट में हम रीजन दिखा सकते हैं इच एंगल 90 डिग्री। अब तीन चीज इक्वल आ गया यहाँ पे, थ्री चीज, सो वी कैन से डेट ट्रेंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल ओ पी आर, यानी दोनों ट्रेंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। रीजन हम दिखा देंगे बाई आर एच एस, आर एच एस मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यहाँ पे एक एक एंगल राइट एंगल को दिखाए, दूसरा हम हाइपोटेनस ले रहा है, ओ पी हमारी हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड अपोजिट साइड है, तो दोनों ट्रेंगल के लिए हाइपोटेनस हो जाएगी, तो हाइपोटेनस, और थर्ड जो है साइड है यानी ओ क्यू और ओ आर साइड है, तो किस रीजन से ये कॉन्ग्रेंट आए, ब्रैकेट में हम लिख दिए बाई आर एच एस, और जब दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है क्या होगी, इक्वल होगी, तो सो पी क्यू, पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड पी आर है, तो सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, सो वी कैन से डेट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और यही हमें प्रूफ भी करना था।